पाकिस्तान करंट अफेयर 2023 2023 या 2024 में अगर आप रिटर्न टेस्ट देने जा रहे हैं तो यकीनन करंट अफेयर का पोर्शन आपके रिटर्न टेस्ट में काफ़ी मैटर करता है। रिटर्न टेस्ट में आप अगर आप PPSC, NTSC, FPSC, SPSC, KPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रिटर्न टेस्ट देने जा रहे हैं, तो करंट अफेयर का पोर्शन नहायत अहम है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखना है और इस वीडियो में मैं उर्दू में डिटेल के साथ करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। तो बगैर अपना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि हु हैज़ बिकम फर्स्ट क्रिकेटर टू टेक 4 विकेट इन फर्स्ट ओवर ऑफ इनिंग। पाकिस्तान का या ओवरऑल ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसने 4 विकेट्स लिए हैं पहले ओवर में, यानी कि फर्स्ट ओवर ऑफ इनिंग, इनिंग के पहले ही ओवर में 4 विकेट लिए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने 30 जून 2023 को। पाकिस्तान हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट कार्गो ऑफ डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल फ्राम विच कंट्री। पाकिस्तान ने क्रूड ऑयल यानी कि खाम जो है तेल किस मुल्क से लिया है? रशिया से लिया है। 45,000 मेट्रिक टन रशिया ने पाकिस्तान से क्रूड ऑयल लिया है। ये 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में से एक सवाल है। पाकिस्तान डिक्लेयर्ड 19 जून 2023 अ डे ऑफ मॉर्निंग ओवर द ट्रेजिडी ऑफ, आपको पता है 19 जून 2023 को एक ट्रेजिडी हुई थी पाकिस्तान में, उर्दन में जो लोग जा रहे थे, कश्ती जो है बहरी जहाज़ पाकिस्तान का डूबा था और उसमें से 78 लोग फोत हो गए थे और काफ़ी सारे मिसिंग, हंड्रेड ऑफ मिसिंग, काफ़ी सारे जो हैं वो लापता हैं। तो पाकिस्तान ने 19 जून 2023 को मॉर्निंग ओवर द ट्रेजिडी करार दिया। पाकिस्तान विच कंट्री विल सेंड शिपमेंट ऑफ LNG टू पाकिस्तान ओवर मंथ ऑन कंसेशनल रेट्स, यानी कि पाकिस्तान को कम रेट्स पर कौन सा मुल्क LNG फ्राहम करेगा हर मंथ? तो अज़रबैजान के साथ ये मुआहदा हुआ है जून 2023 में, जिसके तहत पाकिस्तान को LNG गैस फ्राहम की जाएगी। विच प्रोविंस प्रेजेंट बजट 2023 फॉर 4 मंथ ओनली, कौन से सूबे में 2023 के सिर्फ 4 महीने के लिए बजट पेश हुआ है? तो KPK में हुआ है। अब इसके साथ डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, लेकिन डिटेल्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं भी सही और नहीं भी, लेकिन हम जो है इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं जिनसे सवाल बन सकते हैं करंट अफेयर 2023 के, हम उसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान एंड विच कंट्री इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बॉर्डर मार्केट, पाकिस्तान और किस मुल्क ने इनॉग्रेट इफ्तताह किया है फर्स्ट बॉर्डर मार्केट, यानी कि बॉर्डर पे मार्केट, यानी कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इफ्तताह हुआ है बॉर्डर मार्केट का, बॉर्डर मार्केट का इफ्तताह पाकिस्तान का किसके साथ हुआ है? ईरान के साथ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, पाकिस्तान का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की जो रैंकिंग हुई है उसमें पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? पाकिस्तान 150वें नंबर पे है, जबकि ओवरऑल फर्स्ट जो है वो नॉर्वे है, जहां पे फ्रीडम है, आज़ादी है प्रेस को। अफगानिस्तान चाइना एंड विच कंट्री हेल्ड ट्राइलेटरल टॉक्स इन मई 2023 में किन 3 ममालिक के दरमियान ट्राइलेटरल टॉक्स हुए हैं, मुज़ाकरात हुए हैं? ट्राइलेटरल टॉक्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान ट्राइलेटरल टॉक्स हुए हैं मई 2023 में इस्लामाबाद में। वेन्यू इसका कहा है, यानी कि किस जगह पे हुए हैं? इस्लामाबाद में हुए हैं। इन मई 2023 विच कंट्री ग्रैब्ड नंबर 1 पोजिशन इन ICC ODI फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, आपको पता है मई 2023 में ODI में, वन डे इंटरनेशनल में जो है पाकिस्तान ने रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की है। पाकिस्तान वन हाउ मैनी मेडल इन स्पेशल ओलंपिक्स इन जून 2023, जून 2023 में जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक्स हुए हैं। स्पेशल ओलंपिक्स का मतलब है कि जिसमें स्पेशल लोग, जो अपाहज लोग होते हैं, वो गेम्स में हिस्सा लेते हैं, तो उनका ओलंपिक्स हुआ है जून 2023 में। पाकिस्तान ने 80 मेडल्स लिए हैं जिसमें से 11 गोल्ड के और 29 सिल्वर के, जबकि 40 ब्रॉन्ज के मेडल हासिल किए हैं। मुसरत हिलाल इज़ द सेट टू बिकम द सेकेंड फीमेल जज ऑफ विच कोर्ट, मुसरत हिलाली जो हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की दूसरी जज मुंतखब हुई हैं जून 2023 में, जबकि पहले आपको पता है कि जो पहली
खातून जज हैं पाकिस्तान में, उनका नाम है जस्टिस आयशा मलिक। व्हाट इज़ द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी कितनी है, 6.5% है। पाकिस्तान 24 नंबर पे है, जबकि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी नाइजीरिया में है। नाइजीरिया अफ्रीका का मुल्क है। व्हाट इज़ द करंट इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में शरह सूद कितना है? 22%। इन जून 2023 पीपल पार्टी वन मेयर इलेक्शन कराची बाय डिफीटिंग विच पार्टी? मेयर के इलेक्शन हुए हैं जून 2023 में, पीपल पार्टी ने विन किया है। अब सवाल यह है कि किस पार्टी के खिलाफ पीपल पार्टी जीती है? जमात इस्लामी जो है उसके खिलाफ पीपल पार्टी ने मेयर के इलेक्शन 2023 में जो है वो अपना यानी कि जीत गई है, और सेकंड पोजीशन जो थी वो नईमुर रहमान की थी। विच पाकिस्तानी ऑफिसर रिसीव्ड ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन अवार्ड फ्रॉम यूएसए? अब सवाल को हम समझते हैं। ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि किसी भी शख्स को उसके मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल करना चोर रास्ते से, या उसको बहला फुसला कर, इसको हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो सवाल यह है कि किस बंदे को ये अवार्ड मिला है, उसने इस जुर्म को कम किया है, अपना रोल अदा किया है, तो यूएसए की तरफ से उसको अवार्ड दिया गया है। उसका नाम है ज़हीर अहमद। ज़हीर अहमद को यूएसए ने ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन में अवार्ड दिया गया है। व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंशियल बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2023-24? बलोचिस्तान का बजट, ये मतलब इसको सवाल में पूछ रहा है कि कितना है बलोचिस्तान का बजट 2023-24 में? 750 मिलियन। हाउ मैनी पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल डिसमिस्ड ओवर 9 मई 2023 इंसिडेंट? 9 मई का वाकया आप सबको पता है, 9 मई 2023 को, तो कितने जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स डिसमिस हुए हैं? एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है डिसमिस हुआ है 9 मई के वाकये की वजह से। विच प्रोविंस इज़ लॉन्चिंग ऐप कॉल्ड मेरी आवाज़ फ़ार वूमेन? पंजाब में मेरी आवाज़ फ़ार वूमेन एक एप्लीकेशन जो है पंजाब पुलिस की तरफ से लॉन्च किया गया है। ऑन विच डेट नेशनल असम्बली अप्रूव्ड फाइनेंस बिल 2023? 25 जून 2023 को फाइनेंस बिल जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अटेंडेड विच समिट इन पेरिस 2023? पेरिस आपको पता है कि कैपिटल है फ्रांस का। 2023 में शहबाज शरीफ ने कौन सी समिट फ्रांस में अटेंड की है? ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट, ये इस समिट का नाम है, इस यानी कि एक कॉन्फ्रेंस का नाम है जो कि शहबाज शरीफ ने फ्रांस में अटेंड की है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? पाकिस्तान का रैंक कौन सा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? 142वां नंबर है। अब ये कुछ लोगों को शायद ये टर्म्स समझ ना रही हों, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से काफ़ी इस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं कि कौन सा मुल्क रैंकिंग के लिहाज से किस नंबर पे है। अब रैंकिंग किस चीज़ की है, पीछे हमने चेक किया है वर्ल्ड जो है फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम की भी थी एक रैंकिंग, उसके बाद इन्फ्लेशन बेरोज़गारी की भी रैंकिंग की जाती है, महंगाई की, तालीम की, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की, तो इस तरह से ये मुख्तलिफ रैंकिंग्स होती हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान का 142वां नंबर है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अप्रूव्ड हुज अपॉइंटमेंट एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? काजी फैज़ ईसा को प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने अप्रूव किया है कि इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। केम इन टू इफेक्ट 17 सितंबर 2023 से यह है जो चीफ जस्टिस बने हैं। ये सवाल भी आ सकता है कि करंट चीफ जस्टिस कौन सा है। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? जस्टिस उमर अताब बंदियाल करंट चीफ जस्टिस थे। व्हाट इज़ द टोटल आउटलेट ऑफ बलोचिस्तान बजट? 750 मिलियन बलोचिस्तान का बजट था 2023-24 में। करंट चेयरमैन ऑफ नादरा असद रहमान गिलानी जो हैं करंट चेयरमैन हैं नादरा के। सेनेट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड बिल अलाउंग द यूनिलैटरली अनाउंस इलेक्शन डेट्स? सेनेट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड बिल अलाउंग, सेनेट जो है वो पाकिस्तान के लिए अप्रूविंग बिल, एक बिल जो है उसको मंजूर करता है। अलाउंग किसको इजाज़त देता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि इलेक्शन की डेट्स अनाउंस की जा सकें। हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान? सिकंदर सुल्तान राजा इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। नेम द ब्रिटिश पाकिस्तानी ऑनर्ड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री मील्स इन लंदन? पाकिस्तान के कौन से जो है ब्रिटिश हैं जिनको
फ्री मील्स लंदन में मुहैया की गई है, यानी कि मुफ्त खाना जो है इनको प्रोवाइड किया गया। एहसान शाहिद चौधरी इनका नाम है। नेम द रनर अप ऑफ मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। पाकिस्तान रनर अप रहा और विनर इसमें इंडिया था। पाकिस्तान इसमें विनर था। इसका नाम क्या है? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। बलूचिस्तान गेव स्टेटस ऑफ फिजिकल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट SED टू विच सिटी? बलूचिस्तान ने स्टेटस दिया है, यानी कि नाम दिया है स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट का। स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट को का नाम दिया गया है बलूचिस्तान की तरफ से। और कौन सा शहर है? गवादर है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? पाकिस्तान का 7वां नंबर है फायर पावर इंडेक्स 2023 में। टॉपर इसमें USA है। करंट चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट जो है चेयरमैन नैब के करंट हैं, नैब हैं, करंट चेयरमैन ऑफ नैब नज़ीर अहमद भट्ट। नेम द क्रिकेटर हु हैज़ अपॉइंटेड ऑनररी DSP ऑफ इस्लामाबाद पुलिस। कौन सा क्रिकेटर हैं जिसको यानी कि ओहदा दिया गया है ऑनररी, यानी कि ये टेम्परेरी होता है उनकी इज्जत के लिए, इस्लामाबाद पुलिस का DSP, ये किसको रैंक मिला है? हारिस रऊफ को। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। तुर्कमानिस्तान साइन अकॉर्ड विद विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट? तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ है तापी गैस पाइपलाइन का। विच एडिशन ऑफ फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जून 2023? फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जून 2023 में, उसका कौन सा एडिशन था, यानी कि ये कितवीं कॉन्फ्रेंस थी? ये 81वीं जो है कॉन्फ्रेंस थी। नेम द पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च बाय जहांगीर तरीन की पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? इस्तेहकाम पाकिस्तान। 8 जून 2023 को ये पार्टी लॉन्च की गई है। एन FIR वाज रिसेंटली लॉज अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन मर्डर केस ऑफ विच लायर? अब्दुल रजाक सहर के मर्डर जो हुआ था उस मामले में इमरान खान पे FIR दर्ज की गई है। व्हाट इज़ द टोटल आउटलेट ऑफ फेडरल बजट 2023-24? टोटल आउटले ऑफ फेडरल बजट कितना है? 14.46 ट्रिलियन। हाउ मच परसेंट ऑफ न्यू टैक्सेस हैव बीन इम्पोज इन फेडरल बजट 2023-24? न्यू टैक्स कितने अप्रूव हुए हैं? 0% 2023-24 में, यानी कि 2022 में 21-22 में जितना टैक्स था उसी को ही बरकरार रखा गया है। 2023-24 के बजट में उसमें न्यू टैक्स में इंक्रीज नहीं हुआ। इन फेडरल बजट 2023-24 हाउ मच मिनिमम वेज हैज़ बीन फिक्स फॉर लेबर? मजदूरों के लिए कम से कम उनकी जो मजदूरी है 32,000 पर मंथ जो है मुकर्रर की गई है। व्हाट इज़ द एक्सपोर्ट टारगेट इन फेडरल बजट 2023-24? एक्सपोर्ट टारगेट कितना रहा? 30 बिलियन USD, यानी कि बरामदाद का हदफ कि पाकिस्तान ने ये गोल सेट किया है कि पाकिस्तान की बरामदाद, यानी कि इस मुल्क से दूसरे ममालिक में कितने मकदार की और चीज़ें बाहर जानी चाहिए ताकि उसे फिर हमें बाहर ममालिक से हमें आमदन मिलेगी, तो 30 बिलियन अमेरिकन डॉलर का टारगेट रखा गया है। व्हाट इज़ द रेमिटेंस टारगेट इन फेडरल बजट 2023-24? रेमिटेंस का जी कितना टारगेट रहा पाकिस्तान ने सेट किया? 33 बिलियन रुपीस। ग्रोथ टारगेट पाकिस्तान का कितना है? 3.5%। इन्फ्लेशन फोरकास्ट यानी कि पाकिस्तान में महंगाई कितनी है? 21% महंगाई की शरह। व्हाट इज़ द बजट फॉर हेल्थ सेक्टर फेडरल बजट 2023-24? 26 बिलियन जो है हेल्थ का बजट रहा। ऑन 13 जून 2023 विच मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक हिट पाकिस्तान एंड इंडिया? 5.6 मैग्नीट्यूड का जलजला जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में जून 13 में देखा गया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान पास्ड अ रेजोल्यूशन कंडेमिंग विच इंसिडेंट? सेनेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सेनेट ने एक बिल पास किया है जो कि कंडेम करता है, मुखालफत करता है 9 मई के वाक़े को। विच पाकिस्तान वन इंटरनेशनल कराटे चैम्पियन इन जून 2023? सादी अरबी इसका नाम है जिसने इंटरनेशनल कराटे चैम्पियन जून 2023 पाकिस्तान के लिए विन किया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 142? ये पाकिस्तान का रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। विच पोलिटिकल लीडर हैज़ रिसेंटली सर्वाइव सुसाइड अटैक इन जोहब? सिराजुल हक जो है जोहब आपको बताया बलूचिस्तान में है, उस पर सुसाइड का अटैक करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान अपोज मेंबरशिप ऑफ
membership of from attending WHO annual assembly in May 2013. Pakistan opposed membership. Pakistan ne Taiwan ki mukhalifat ki hai ki WHO World Health Organization ka annual assembly jo hoti hai usme Taiwan was not invited to the event in Geneva. Geneva mein Taiwan ko invent jo hai nahi kiya gaya, invite nahi kiya gaya. Pakistan army declare which date as a martyr respect day. 25 mai ko martyr shohada ki इज़्ज़त का दिन मुकरर किया गया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से. वैन पाकिस्तान सेलिब्रेटिंग सिल्वर जुबली ऑफ योम तकबीर. 28 मई 2023 को आपको पता है योम तकबीर मनाया जाता है पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर एटमी धमाके किए. नेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू ज्वाइन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान ने जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को ज्वाइन किया है सिर्फ पाकिस्तान में से. हु हैज़ बिकमिंग यंगेस्ट बॉडी बिल्डिंग जज फ्रॉम पाकिस्तान. जो सबसे कम उम्र बॉडी बिल्डिंग के जज पाकिस्तान से मुंतखब है उनका नाम है रमीज़ इब्राहिम. हु विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन क्रोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग चार्ल्स थ्री. किंग चार्ल्स थ्री की जो है क्रोनेशन सेरेमनी में किसने रिप्रेजेंट किया है. शहबाज शरीफ ने 6 मई 2023 को रस्म ताजपोशी में. किंग गैंग इज़ द विजिटिंग पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम. ही इज़ फॉरन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. किन गैंग जो है फॉरेन मिनिस्टर है चाइना का और इसने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है विजिट किया है. पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली डिफीटेड विच कंट्री टू विन ODI सीरीज़ अगेंस्ट इट आफ्टर 12 ईयर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान ने किस कंट्री को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किस मुल्क को शिकस्त दी है ODI सीरीज़ में. 12 साल के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है. बाई एलेक्शन ऑन विच ऑन द वीकेंड सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट बींग हेल्ड इन डिस्ट्रिक्ट सिंध. 24 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में बाई इलेक्शन हुए हैं सिंध में. द फर्स्ट प्री मार्शल काउंसलिंग क्लिनिक ऑफ पाकिस्तान वाज इनोग्रेटेड इन विच कंट्री. रावलपिंडी में जी फर्स्ट प्री मार्शल काउंसलिंग क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है. हु बिकम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 5000 ODI रन. 5000 रन फास्टेस्ट तेज तरीन किसने मुकम्मल किए हैं. बाबर आजम ने. फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी रीच इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 4 मई 2023. इन मई 2023 विच कंट्री ग्रैब नंबर 1 पोजीशन इन ICC ODI फॉर द फर्स्ट टाइम. ये सवाल पहले भी रिपीट हो चुका है कि 2023 में मई 2023 में किस कंट्री ने ICC में फर्स्ट जो है पोजीशन हासिल किया ODI में. तो पाकिस्तान ने. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ बीन अरेस्टेड इन विच केस. अल कादिर ट्रस्ट केस. इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था और रेंजर ने इनको गिरफ्तार किया था. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ बीन अरेस्टेड इन विच केस. अलकादिर ट्रस्ट केस. अलकादिर ट्रस्ट केस इस 450 कनाल से ज़्यादा ज़मीन की अर्थी से मुतालिक है जो बैरियर टाउन की जानब से अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई थी. विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान चौथी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वर्जिशें जिनमें ये मुख्तलिफ जो है वर्जिशें करते हैं पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान चौथी हुई है. कहाँ पे के अबाउट अल कसिव हेल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया रिसालपुर में. हु बिकम यंगेस्ट एंड क्विकेस्ट फास्ट बॉलर टू गेट 200 T20 विकेट्स. शाहीन शाह अफरीदी यंगेस्ट और तेज तरीन सबसे कम उम्र और तेज तरीन बॉलर हैं जिन्होंने 200 विकटें हासिल की हैं मुकम्मल की हैं T20 में. शहबाज शरीफ सिक्योर्ड अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय गेटिंग हाउ मैनी वोट. शहबाज शरीफ को 180 वोट मिले. हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन रॉयल गोल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड 2023. यास्मीन लारी को जो है रॉयल गोल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 दिया गया है. हु बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी बॉक्सर टू विन गोल्डन ग्लोव चैम्पियनशिप इन USA. जहाज़ेब रिजवान जो है फर्स्ट पाकिस्तानी बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोव अवार्ड जीता है. हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव ऑक्सफोर्ड प्रेस्टिजियस अर्निंग फेलोशिप. मलाला यूसुफ़ज़ई. विच एनिवर्सरी ऑफ अलामा इकबाल ऑब्जर्व ऑन 21 अप्रैल 2023. 85th जो है अलामा इकबाल की एनिवर्सरी मनाई गई है. अब लाजमी नहीं है याद रखें आपको अलामा इकबाल की डेट ऑफ डेथ भी याद हो कि 21 अप्रैल 1938 से 2023 तक आप जो है साल गिन सकते हैं और अपना MCQ टिक कर सकते हैं.
अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, इनकी मदर का नाम इमाम बीबी, और इन्होंने PhD की जर्मनी से, और इनका जो टाइटल है शायर मशरक पोइट ऑफ ईस्ट। विच बिल बिकम लॉ इन अप्रैल 2023, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जो है लागू होगा। विच मिनिस्ट्री हैज़ इनोग्रेटेड फर्स्ट नेशनल कंप्लाइंस सेंटर ऑफ पाकिस्तान, कौन सी मिनिस्ट्री ने वजारत ने इफ्तिताह किया है पाकिस्तान की नेशनल कंप्लाइंस सेंटर का? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने पहली मरतबा इफ्तिताह किया है कंप्लाइंस सेंटर का पाकिस्तान में। ज़हूर हुसैन खोसा रिसेंटली पास्ड अवे वाज एक्स स्पीकर, ज़हूर हुसैन खोसा जिनकी वफ़ात हो चुकी है बलूचिस्तान के एक्स स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के। पाकिस्तान एम्बेसी केम अंडर अटैक इन विच कंट्री, पाकिस्तान एम्बेसी जो कि अटैक की वजह से मुतासर हुई है किस मुल्क में जो है वो अटैक की वजह से मुतासर हुई है? सूडान में पाकिस्तान की एम्बेसी को अटैक हुआ है उसकी वजह से। हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो मौजूदा मिनिस्टर है रिलीजियस अफेयर का इस्लामी मामलात का, उसका नाम है मोहम्मद तलहा महमूद। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, चौधरी अनवारुल हक इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लेम वर्ल्ड 10th हाईएस्ट पीक पुराना विदाउट ऑक्सीजन, साजिद अली सदपारा जो है पाकिस्तानी के 10वें हाईएस्ट पीक पे इन्होंने बग़ैर ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे, तो उन्होंने क्लेम किया है चोटी को सर किया है। वेयर एक्चुअली इज़ अनापुरा माउंटेन, अनापुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं नेपाल में हैं। विच रिलीजियस मिनिस्टर डाइड इन रोड एक्सीडेंट रिसेंटली, कौन से रिलीजियस मिनिस्टर थे जो के रोड एक्सीडेंट में जिनकी वफ़ात हुई? मुफ्ती अब्दुल शकूर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स, पाकिस्तान का 62 नंबर है और फर्स्ट पे अमेरिका। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज इंडेक्स, यानी कि एक मुल्क में सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ पे है, मुजरिम कहाँ पे हैं? तो पाकिस्तान इसकी रैंकिंग में 86 पे है, टॉपर जो है वेलनजोला है। पाकिस्तान वेटरन एक्टर खालिद साद बट पास्ड अवे ऑन विच डेट, पाकिस्तानी जो एक्टर हैं खालिद साद बट इनकी वफ़ात कब हुई है? 13 अप्रैल 2023 में हुई है। ही वॉज द फादर ऑफ एक्टर उस्मान खालिद बट। पाकिस्तान फर्स्ट एंटी रॉयट वुमेन पुलिस यूनिट हैज़ बिन इस्टेब्लिश, एंटी रॉयट वुमेन पुलिस का इफ्तिताह कहाँ पर किया गया है पहली मरतबा? बलूचिस्तान में। हु बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू समिट वर्ल्ड 10th हाईएस्ट माउंटेन, कौन सी पाकिस्तानी पहली वुमेन है जिन्होंने सर किया है 10th हाईएस्ट माउंटेन 10वें बुलंद तरीन चोटी? इनका नाम है नायला कियानी। नायला कियानी बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू समिट हाईएस्ट अन्नपुरा इन नेपाल। 1 अप्रैल 2023 हु बिकम फर्स्ट फीमेल जज ऑफ PHC, जस्टिस मुसरत हिलाली, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, मुसरत हिलाली जो हैं सेकेंड जज अपॉइंट हुई हैं, इससे पहले हमने देखा था जस्टिस आयशा मलिक थी। हु बिकम द फर्स्ट एवर एंड ओनली पाकिस्तानी टू बी द वर्ल्ड चैम्पियन इन क्रैटिंग रेस, क्रैटिंग रेस में सबसे पहले जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप विन की, इनका नाम है इनाम अहमद। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन कराटे कॉम्बैट कॉम्बैट फाइट, इनका नाम है जी शाहजेब रिंद, जिन्होंने कराटे कॉम्बैट जो है वो विन किया है। नेम द पाकिस्तानी किड्स हु ब्रोक 12 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ अमेरिका ऑफ लीप फ्रॉग जम्प, फ्रॉग जंप यानी कि मेंढक की तरह जो एक्सरसाइज टाइप ही है जो बच्चे करते हैं, तो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड जो है तोड़ा है अमेरिका का, उस बच्चे का नाम है नुमान एंड अबू बकर। नेम द सेपम हु स्टेप डाउन इन अप्रैल 2023 फहद हुसैन, हु इज़ द प्रेजेंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान वुमेन टीम मार्कोलस, हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम निदा डार, हु इज़ पाकिस्तानी डॉक्टर रिकगनाइज एज द टॉप 5th लीडर इन द USA फरा अब्बासी, विच कंट्री डिफीटेड पाकिस्तान टू विन द फाइनल ऑफ ITF वर्ल्ड टेनिस, जापान। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो ऑब्जर्व ऑन 4 अप्रैल 2023, 4 अप्रैल 2023 को भुट्टो की 44वीं जो है डेथ एनिवर्सरी काउंट की गई है। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू डायरेक्ट हॉलीवुड स्टार्स वार मूवी, शर्मीन उबैद चनोए, शर्मीन उबैद चनोए जो है फिल्म मेकर हैं,
इनको अपकमिंग स्टार वार्स के लिए भी चुना गया है। लेजेंडरी एक्टर तारिक जमाल प्राचा पास्ड अवे ऑन विच डेट 9 अप्रैल 2023 को इनकी वफात हुई है। पाकिस्तानी अमंग 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2023 बाय टाइम मैगजीन शेरी रहमान। हु इज़ द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन ट्विटर इन पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान के जो है 19 मिलियन फॉलोअर हैं। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम रजिस्टर्ड फर्स्ट एवर विन इन AFC ओलंपिक्स क्वालिफायर बाय डिफीटिंग ताजिकिस्तान। हु बिकम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर टू बी डिसक्वालीफाइड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? सरदार तनवीर इलियास। व्हेन इज़ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पास इनटू लिमिट इनटू पावर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह बिल मंजूर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पिशावर मॉस्क ब्लास्ट इन 2023? TTP तहरीक तलबान ने जो है पिशावर में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी ज़िम्मेदारी ली है। फ्रॉम फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो मसूद शरीफ खटक डाइड ऑन विच डेट? 29 जनवरी 2023 को इनकी वफात हुई है। परवेज इलाही वन कॉन्फिडेंशियल वोट, इनको एतमाद का जो वोट है, बाय सिक्योरिंग 186 वोट्स 186 वोट्स मिले थे पंजाब असम्बली में परवेज इलाही को। विच पोलिटिकल पार्टी वन मोस्ट सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट पोल्स हेल्ड ऑन 15 जनवरी 2023? पीपल पार्टी को जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर वोट्स हासिल हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? सैयद मोहसिन रजा नकवी जो हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं पंजाब के। हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023? बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली स्टूड डिजॉल्व ऑन विच डेट? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी 2023 को डिजॉल्व हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग करंट CM ऑफ KPK? आजम खान जो हैं KPK के करंट चीफ मिनिस्टर हैं। एज पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रैंकिंग, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का 106 नंबर पे नाम है, टॉप इसमें जापान है। क्वेश्चन ऑफ फॉर यूर, हु इज़ द करेंसी चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब? इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। हु इज़ द करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? हारून रशीद। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो विजिटेड 29 जनवरी 2023 रशिया का विजिट किया है। पाकिस्तान सेनेट अडॉप्ट अननिमियस रेजोल्यूशन अगेंस्ट डिस्क्रिशन ऑफ होली कुरान इन विच कंट्री? स्वीडन एंड नैदरलैंड। ये वाक्य भी आपको याद होगा 27 जनवरी 2023। फ्यूचर फेस्ट 2023 लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान हेल्ड इन विच सिटी? लाहौर में टेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में। वैन इज़ द हाइस्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कश्मीर अब्जर्व? 5 जनवरी। फॉर्मर प्रेजिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार हुसैन अब्दुल लतीफ अफरीदी किल्ड ऑन विच डेट? प्रेसिडेंट सदर जो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अब्दुल लतीफ़ अफरीदी को 16 जनवरी 2023 में जो है इनको मारा गया है। ये जी है PSL से रिलेटेड, लाहौर जो है इस दफ़ा विनर था सेकंड टाइम और इसको डिफीट किया था मुल्तान सुल्तान को एक स्कोर से। प्लेयर ऑफ द सीरीज एहसानुल्ला। मोस्ट रन मोहम्मद रिजवान के हैं, मोस्ट विकेट्स अब्बास अफरीदी के हैं, जबकि लाहौर के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी थे। पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च। पाकिस्तान में पहली इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह कराची में हुआ है। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ अरफा करीम ऑब्जर्व ऑन 14 जनवरी 2023? 11वीं जो है डेथ एनिवर्सरी काउंट की गई है अरफा करीम रंधावा की, जो कि यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड थी पाकिस्तान में से। विच लॉ ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड एनअल्ड बाई लाहौर हाई कोर्ट? किस कानून को इनकी मुखालफत की है लाहौर हाई कोर्ट ने? सेडिशनल लॉ की। विच ऑर्गेनाइजेशन रिमूव्ड पाकिस्तान हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज लिस्ट? यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्री से रिमूव कर दिया है। विच इज़ द फर्स्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टू लॉन्च इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इन पाकिस्तान? इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है लॉन्च हुए हैं पाकिस्तान में, किस कंपनी ने किए हैं? यूनाइटेड ऑटो ने किए हैं। नेम द क्रिकेटर हु हैज़ अपॉइंटेड ऑनरी DSP इस्लामाबाद पुलिस? ये सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। हारिस रऊफ को जो है एजाजी DSP का रैंक लगाया गया है। इन मार्च 2023 पाकिस्तान डिक्लाइन द पार्टिसिपेट इन विच समिट? मार्च 2023 में पाकिस्तान ने कौन सी समिट में पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया है? समिट फॉर डेमोक्रेसी, जिसको अमेरिका होस्ट कर रहा था। 25 मार्च 2023 मार्क एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तानी विक्ट्री
इन क्रिकेट वर्ल्ड कप 31st जो है 31वीं द फाइनल ऑफ द 1992 का वर्ल्ड कप जो है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था 25 मार्च 1992 में। ऑन विच डेट पाकिस्तान विल ऑब्जर्व अर्थ और अर्थ ओवर पाकिस्तान को कब सेलिब्रेट किया गया 25 मार्च 2023 को। विच कंट्री क्लिंच्ड फर्स्ट एवर सीरीज विन अगेंस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान ने। विच पाकिस्तानी क्रिकेटर हिस्ट्री हैज फर्स्ट पाकिस्तानी 100 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट शादाब खान। नेम द पाकिस्तान ओरिजिन डिप्लोमेट हु बिकम फर्स्ट ब्रिटिश मुस्लिम टू हेड यूके डिप्लोमेटिक मिशन फौजिया यूनस। पाकिस्तान लेजेंडरी एक्टर कवि खान हैज डाइड ऑन विच डेट 5 मार्च 2023 को कवि खान की डेथ हुई है। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान अब्दुल वली खान काकर जो हैं करंट बलोचिस्तान के गवर्नर हैं। विच एडिशन ऑफ औरत मार्च टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर 2023 छठा एडिशन था औरत मार्च का। SPB issued a commemorative coin of 50 mark the golden jubilee of Senate. Which country will host women in Islam conference in New York? Pakistan jo hai iska apna iska kya karega host karega. Veteran broadcaster Sayyid Rashid Ashraf passed away. Sayyid Rashid Ashraf jo ki broadcaster the 18 मार्च 2023 को इनकी वफात हुई है। एज़ पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान ग्लोबल दहशतगर्दी का इंडेक्स जो है वर्ल्ड का उसमें पाकिस्तान का छठा नंबर है। पाकिस्तान रिपोर्टेड फर्स्ट पोलियो केस ऑफ 2023 बन्नू में जो है पाकिस्तान में पहला जो है पोलियो का केस सामने आया है 2023 में। हु रिज़ाइन द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन 24 मार्च 2023 शहजाद अता इलाही ने अटॉर्नी जनरल के अहदे से 24 मार्च 2023 को रिज़ाइन किया। नेम द PTI लीडर किल्ड ऑन मार्च 20, 2023 द सिटी ऑफ हवालियन आतिफ मुनसिफ खान को मार दिया गया जो कि PTI का लीडर था हवेलिया में। ऑन 21 मार्च 2023 6.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट विच कंट्री पाकिस्तान में जो है जल्जला आया 21 मार्च 2023 को उसका मैग्नीट्यूड कितना था 6.5 रिक्टर स्केल। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इनोग्रेटेड डैश ऐप टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट टेलीस्कोप पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का सोर्स है। नेम द ISI ऑफिसर मर्टायर्ड इन साउथ वजीरिस्तान ISI का कौन सा ऑफिसर साउथ वजीरिस्तान में शहीद हुआ मुस्तफ़ा कमाल बरकी। विच एडिशन ऑफ पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड 23 मार्च 2023 83rd जो है एडिशन 23 मार्च 2023 का सेलिब्रेट किया गया पाकिस्तान में। हु बिकम यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिसीव सितारा इम्तियाज बाबर आजम। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स में पाकिस्तान का 108वां नंबर है जबकि लार्जेस्ट जो टॉपेस्ट है इसमें फिनलैंड है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज इनोग्रेटेड कोल फायर्ड पावर प्लांट शहबाज शरीफ ने कोल फायर पावर प्लांट का इफ्तिताह कब किया कहाँ पर किया थर में किया थर जो कि सिंध में है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेस पाकिस्तान इज़ अ क्रिटिकल वाटर इनसिक्योरेंस कैटेगरी UNO हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान जो हैं करंट अटॉर्नी जनरल हैं। विच कंट्री पास रेजोल्यूशन टू डेजिग्नेट 23 मार्च एज अ पाकिस्तान डे फॉर द फर्स्ट टाइम USA USA ने रेजोल्यूशन पास किया है कि पाकिस्तान को 23 मार्च पाकिस्तान डे जो है पाकिस्तान डे मनाया जाता है पाकिस्तान में ये USA ने रेजोल्यूशन पास किया है इसके लिए। फॉर्मर डिक्टेटर जनरल रिटायर परवेज मुशरफ पास्ड अवे 5 फरवरी 2023 को मुशरफ का इंतकाल हुआ है। पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन ओनली बस सर्विस लॉन्च इन द सिटी पाकिस्तान में पहली जो है वुमेन बस सर्विस कराची में इसका इफ्तिताह हुआ है। नसीम शाह कन्फर्म्ड ऑनरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP का भी इसको भी इम्तियाजी रैंक दिया गया है बलोचिस्तान की तरफ से नसीम शाह को। पोइट अमजद इस्लाम अमजद 10 फरवरी 2023 को अमजद इस्लाम अमजद की वफात हुई। करंट IG KPK अख्तर हयात इनका नाम है इंटरनेशनल रिन्यूड आर्टिस्ट ज़िया मोहुद्दीन डाइड ऑन विच डेट 13 फरवरी 2023 को इनका इंतकाल हुआ है। इन फरवरी 2023 फर्स्ट एवर गर्ल्स लिटरेरी फेस्टिवल हेल्ड इन नॉर्थ वजीरिस्तान अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक WB स्टैंड फॉर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक COVID-19 पेंडेमिक क्रिएटेड 1.6 मिलियन यूथ इन पाकिस्तान यानी कि जो 1.6 मिलियन लोग थे पाकिस्तान में
वो जो है इससे मुतासिर हुए हैं, जो कि उनको जॉब वगैरह से निकाल लिया गया है भाई, कोई ना कोई काम करते थे तो अब वो कोई काम नहीं करते। ये 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। आप इसको बार बार पढ़ें, बार बार इस वीडियो को देखें और इसको याद करें। ये आपके रिटर्न टेस्ट 2023 जेल पुलिस का भी होना है, ASF 2023 रिटर्न टेस्ट होना है, 2023 में 24 में जितने भी रिटर्न टेस्ट होने हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के करंट अफेयर, पाकिस्तान के जितने मामला हुए 2023 में उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह वर्ल्ड करंट अफेयर 2023 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको पता है कि हम इस चैनल पे जॉब्स की अपडेट्स शेयर करते हैं, न्यू गवर्नमेंट जॉब्स जो अनाउंस होती हैं या रिटर्न टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए नोट्स और वीडियो गाइडलाइन सारा कुछ इस चैनल पर दिया जाता है।